रुपेश भैया जानते हैं, पहले हम सोचे ना कि ये ड्राइवर भैया गाएंगे, हाँ, लेकिन मुन्ना भैया आ गए ना तो हम सोचते सजनवा गा देते हैं। अरे वाह, दिल रह जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे गौतम भैया भी बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हैं, और आपको जब भी देवगढ़ जाने का मन करे ना, एक कॉल कीजिए, फॉर्च्यूनर लेकर आपके बीच हाजिर हो जाएंगे। पता चलेगा कि हम फोन में करते रह जाएं, देवगढ़ घुमाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है भैया, जरूर आएंगे। एक बार गौतम भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली। वाह क्या बात है। की गाड़ी लेके बढ़ी यहाँ से जाइए, अब जितने सजन बड़े जिनकर बियाह हो गए बा, जितना जितना लोग के नहीं हो भइल बा, आ जितना लोग गाड़ी चलावे ले, कौनो भी गाड़ी हो के, मोटरसाइकिल हो के, दुपहिया चार पहिया दस पहिया बारह पहिया अठारह पहिया जितनो पहिया हो के अगर चला ले तो तनी बताई कितना लोग चला ले गाड़ी। अब बाकी आगे ना चला पहले, आई जितना कैमरा वाले बड़े सब छुछ बड़े का तू लोग ना चला पहले, फेंक दे उठा के बे छोट के बड़ा। ये मुकेश म्यूजिक सेंटर बड़ा शरारती करता है, है? कि गाड़ी लेके बढ़ी यहाँ से जाई, हाँ मर डराई पर सजनवा। अब देखा आपने सजनवा कह देनी, अब तो तारा लोग पे डिपेंड करता था कि एमएस हमारे सजनवा के बा, एमएस के सजनवा बा, यानी तू हाथ उठा के सीधा सीधा पूरा पूरा। अरे भांग पी के गाड़ी मत चलाई, हा हो मोर डराई पर सजनवा। Oh,
इतना देर से कहता नहीं भजन कर लो, अभी ये दूसर के हुआ के गा दे कि उठलाली से रोटी बोर के देख रहे हैं। ये वही लोग हैं जो भक्ति भजन में मन नहीं लगाते हैं, इन्हीं लोग के चलते कोरोना आया था। थोड़ा सा भक्ति भजन में मन लगाए होते तो ऐसा थोड़ा होता। बाकी रहिए भजन के आखिर लगे, इसके बाद जो आपकी डिमांड जो आप सुनना चाहते सब सुना जाएगा। दोनों हाथ उठा के सीधा सीधा बोलिए शंकर भगवान की जय। अरे गांजा पी के गाड़ी मत चलाई हो, I'm sorry.